जांजगीर चांपा में जिला प्रशासन ने फर्जी तरीके से लोगों का उपचार करने और बिना डिग्री के पैथोलैब संचालित करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। वहीं कलेक्टर के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने सभी विकास खंडों में दबिश देकर 2 दर्जन से अधिक फर्जी क्लिनिक और पैथोलैब को सील कर दिया। अकलतरा समेत कई जगहों के थानों में मामले में FIR भी दर्ज करवाई गई है। इसी दौरान अकलतरा पुलिस ने बिना दस्तावेज के अवैध क्लिनिक संचालन करने वाली पार्वती श्रीवास को गिरफ्तार कर लिया। जिले में जो अवैध रूप से संचालित पैथोलैब हैं और क्लिनिक और अवैध चिकित्सक व्यवसाय करने वालों के विरुद्ध विधि संगत कार्यवाही करने के लिए विकासखंड स्तर पर टीम का गठन किया गया था। उक्त टीम द्वारा विकासखंड स्तर पर जो इस प्रकार से अवैध रूप से चिकित्सा का व्यवसाय करने वाले हैं उनके यहाँ छापामार कार्रवाई करते हुए विभिन्न अलग अलग थानों में एक आवेदन पत्र पेश कर FIR कराया गया है, जिसमें थाना नवागढ़, थाना बलौदा, थाना अकलतरा और थाना बम्हनीडीह में जो इस प्रकार के चिकित्सा अवैध रूप से व्यवसाय करने वाले हैं बिना निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के और बिना पंजीयन के, उनके ऊपर FIR कायम किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्य गृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम और भारतीय दंड विधान के धाराओं के तहत इनके ऊपर प्रकरण दर्ज किया गया है। और इसी मामले में थाना अकलतरा में श्रीमती पार्वती श्रीवास